हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके कैफ़े। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट की जो आपकी वैकेंसीज आई है उनके हिसाब से आपका पेपर क्या रहेगा, उसी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की इस पर क्वेरी थी कि आपके पेपर कैसे आते हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर कंपाइल करके रखे हैं जो आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में अभी तक हुए हैं। और देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, जो भी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशंस होते हैं मोस्टली अगर आप देखेंगे तो उसको कंडक्ट कराती है आपकी SSC। इस बार भी ऐसा ही है, तो ये भी आपके लिए ज़रूर रहेगा कि आप SSC के पेपर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो आपके दिल्ली पुलिस में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे आपको थोड़ा परफॉर्मा मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, आपको उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन में आगे रहना है। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है हमारे एग्ज़ाम में, कई बार रिपीट होते हैं। जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था जो दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, 1-2 साल पहले की बात है। तो इसलिए ही ये वीडियो बहुत ज़रूरी रहेगी, तो पूरा आखिर तक देखिएगा, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि SSC का जो पैटर्न रहता है जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स में रहता है, उससे आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला है अर्थव्यवस्था जहाँ निर्यात और आयात नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले देखिए दोनों मीडियम में, ये भी आप समझ लीजिएगा, बाइलिंगुअल रखा है मैंने कि दोनों मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। व्हाट इज़ द इकोनॉमी कॉल वेयर देयर इज़ नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था, सिंपल सा था, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी कहा जाएगा उसको। अब देखिए होता क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आप समझ लीजिए सिंपल सी लैंग्वेज में, जब हमारे देश में हम ना तो इम्पोर्ट कर रहे हैं ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस इकोनॉमी को क्या कहेंगे आप, क्लोज इकोनॉमी ही कहेंगे एक तरीके से। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले तो हम नॉर्थ कोरिया कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट ज़्यादा करता नहीं है और इम्पोर्ट पे भी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पूरा जो भी है डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, आप सभी जानते होंगे पूरी स्टोरी उनके बारे में। तो क्लोज इकोनॉमी का एक इकोनॉमिक्स जिसको कहेंगे इकोनॉमी, वो उसका एक एग्जाम्पल है, राइट। अच्छा देखिए, ये क्या होती है जिसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पर लिखा है मिक्स इकोनॉमी, सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम्स में। और देखिए मैं आपको बोला, जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली पुलिस में गया है, ये कई एग्जाम में आया था जैसे SSC के एग्जामिनेशन, क्योंकि वेंडर SSC है, तो इसलिए आपको ज़रूरी याद रखना है कि SSC के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो उतने आप कंपाइल करने की कोशिश रखें। मैं आपको वीडियोज़ देता रहूँगा, वैसे आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उन प्लेलिस्ट को एक बार आके आप चेक कर लीजिएगा, क्लियर है। हाँ, बात कर रहे थे मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। देखिए मिक्स इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर आपका गवर्नमेंट और जो आपकी निजी कंपनी होती है दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा गया है मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या होता है। देखिए एक इकोनॉमी होती है जहाँ पर पूरी तरीके से निजी कंपनियाँ होती है, उन पर पूरा आधिपत्य कह सकते हैं उनका होता है पूरे इकोनॉमी में। जैसे एग्जांपल है आपका अमेरिका, आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है, अमेरिका को यूज़ कर सकते हैं इस नाम पे। अमेरिका कैसे, क्योंकि देखिए वहाँ पर ज़्यादातर जितनी निजी कंपनियों का अधिकार होता है, देखिए बहुत कम बाउंडेशन होता है गवर्नमेंट का, जहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा बाउंडेशन हो जाएगा तो वो इकोनॉमी नहीं कहलाई जाएगी। और इंडिया में क्या है, दोनों तरीके का, जैसे आप जानते हैं कई कंपनीज़ है जो बड़ी बड़ी जिनका बहुत ज़्यादा स्वामित्व है, उनका पूरा अधिकार कहाँ पर है आपका, काफ़ी हद तक उनका है। और अगर देखा जाए तो दूसरी जगह देखेंगे तो गवर्नमेंट का भी है, जैसे आपका जो रेलवेज़ है, रेलवेज़ कहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस पर पूरा अधिकार किसका, गवर्नमेंट का है। वो अलग बात है कि कुछ पार्टिसिपेशन कर दिया गया है और कुछ पार्ट को बेच दिया गया है रेलवेज़ के, जैसे आपका अभी बहुत सारी एयरलाइंस है उसके बारे में भी ये कहानी चल रही थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मिक्स इकोनॉमी जहाँ पर गवर्नमेंट प्लस निजी कंपनियों का इक्वल राइट होता है तो उसको कहा जाएगा मिक्स इकोनॉमी। हाँ, पूंजीवादी कौन सी होती है, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जैसे आप ब्रिटेन लेके चल सकते हैं, USA लेके चल सकते हैं, इनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल, कि जहाँ पर ज़्यादातर पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी लोगों का ही स्वामित्व होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है जो मैंने आपको बता दिया इस इकोनॉमी से रिलेटेड। देखिए और कुछ देख लेते हैं, जैसे देखिए जैसे आपके सामने आ गया, एक और चीज़ पूछी जाती है BOP, बहुत बार पूछा जाता है अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आया है तो। BOP मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे डायरेक्टली, इसको हिंदी में कहा जाता है भुगतान अधिशेष, ठीक है, भुगतान अधिशेष। एक शॉर्ट बात में अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई जैसे हमारे घर में हम कोई परफॉर्मा बनाते हैं, बजट बनाते हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे हाफ में जो इनकम आई थी उसमें हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो गया, सेम उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं, कि एक्सपोर्ट कितना करा, इम्पोर्ट कितना करा, उसके डिफरेंस को मैं ऊपर से बता रहा हूँ, वैसे बहुत डिटेल में है ये, 12th क्लास का टॉपिक माना जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है इसका मतलब क्या होता है। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को एक तरीके से सब्सट्रैक्ट करते हैं, उनको आपस में कंपाइल करके देखते हैं तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, ठीक है, ये हो गया आपका BOP। अगर हम बात करें देखिए कुछ और शॉर्ट फॉर्म्स पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे GDP, ये बहुत बार पूछा गया है, इसका मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है, एक बार मैं अगर आपको बताऊँ SSC के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ SSC क्योंकि आपका वेंडर TCS है, राइट, तो आपको
याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका SSC कंडक्ट करवाता है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हम थोड़ा एग्ज़ाम के रेलिवेंट ही मैटर को लेके चले हैं। बिल्कुल डिपेंड ना होइएगा कि दिल्ली पुलिस के जब पेपर पूछे गए उन्हीं पर करें, उनको करना है, वो आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए, बट आपके जो रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए उन पर भी कमांड रखिएगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम्स में। खुद मैंने दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल वाली लास्ट की जो प्रिपरेशन हो रही थी उसमें काफ़ी लोगों की मदद करी थी, तो इसी तरीके से आप रखिएगा, ठीक है। मैं बोल रहा था आपको GDP आता, तो GDP तो बहुत सिंपल सा हम जानते हैं, GDP मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे नीचे आ जाता है MP, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली पूछा गया था, तो इसको कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, MP मतलब होता है मार्केट प्राइस। अगर यहाँ पर GDP MP नहीं आता, यहाँ पर आ जाएगा GDP FC, तो इसका मतलब क्या होता है, P पूरा कैपिटल होगा, FC मतलब होता है फैक्टर कोस्ट, ठीक है, फैक्टर कोस्ट। ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक का टॉपिक आ गया तो इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ इनको याद रखना है आपको, पूछे जा सकते हैं। अगर हम इनके अलावा देखें, जैसे आपके एग्ज़ाम में एक और पूछा गया था SSC के एग्जामिनेशन में, PPC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PPC की होती है प्रोडक्शन, ठीक है, पॉसिबिलिटी कर्व, बहुत बार पूछा गया है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर IC पूछा जाएगा आपसे, IC ये भी कई बार पूछा गया हमारे एग्जाम में, तो IC मतलब होता है इन डिफरेंस कर्व, ठीक है, जरूर याद रखना इन डिफरेंस कर्व। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि आपने नहीं लिखा कर्व, क्लियर हो गया ये, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ और दो तीन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड बता दूं, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए, क्या होता है आपका IFSC, आपने सुना होगा कई, इसको कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये क्लियर हो गया IFSC मतलब क्या होता है। अगर आपसे एक और चीज़ पूछा जाएगा ATM भी पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म रिलेटेड कई बार क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं, तो दो तीन जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ इनको एटलीस्ट याद रखिएगा, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, कई लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे इकोनॉमी के ऊपर लेकर आइए, तो मैं जितना आपको लिंक करके बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे को होता है FDI, ये तो आप सभी जानते होंगे, इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है उसको FDI कहा जाता है। एक और पूछा जाता है RTGS, ये SSC में कई बार पूछा जा चुका है, इसको कहते हैं रियल टाइम, यहाँ लिख ही देता हूँ इसको क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका मतलब होता है, याद रखना है RTGS, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, तो क्लियर हो गया होगा। देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो एक और आता है इकोनॉमी में बहुत पॉइंट होता है, जिसको कहते हैं टोटल कंपटीशन मार्केट, या उसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसको पूरा इंग्लिश में बोलेंगे तो टोटल कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, पूछा गया था ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखिएगा, इसका मतलब होता है मार्केट में जहाँ पर एक तरीके से बोला जाए कंपटीशन इक्वल होता है, अगर हम बात करें, और सभी तरीके से वहाँ पर सभी वस्तुओं का जो मूल्य होता है प्राइस होता है सेम होता है। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि इसमें इसकी क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है इस मार्केट की, तो आपको याद रखना पड़ेगा मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट मार्केट में सेम ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक जैसी वस्तुएं ही बिकती हैं। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा मोनोपोली क्या होता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछा गया है मोनोपोली मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। क्लियर हो गया ये चीज़, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा किसानों को उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रदान किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अगर हम पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू मोटिवेट द फार्मर्स फॉर प्रोडक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको इंग्लिश में ही दिख जाएगा, MSP, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत, ठीक है, क्या होता है न्यूनतम समर्थन कीमत, ये होता क्या मैं आपको जल्दी से बता दूँ, क्योंकि कैसे भी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं ये टॉपिक। देखिए इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम लिखा मैंने यहाँ पे, मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, आप जानते हैं किसानों की ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं, रीज़न इसका ये रहता है क्योंकि वो जैसे कोई अपनी फसल को उगा रहे हैं और फसल का एक तरीके से बहुत से नुकसान हो जाते हैं कई बार, और ये ऐसे भी होता है बीच में, आप जानते हैं काला बाजारी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जो बीच बिचौलिए जिनको कहा जाता है, जब वो एक तरीके से फसल को लेते हैं, तो जो मेहनत लगी है किसान की, ठीक है, जो उसकी मेहनत लगी है या उसने उस पर इतना इन्वेस्ट करा है, उतना जो प्राइस चाहते हैं किसान वो नहीं मिलता है, तो मजबूरन हो जाते हैं कि इसको आप क्या करें, क्योंकि आपने कई बार न्यूज़ वगैरह में देखा होगा टमाटर वगैरह फेंक देते हैं कि जब उनको अपनी ही लागत के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है एक फसल को उगाने के लिए, तो उसमें ये क्या करती है गवर्नमेंट, ये स्कीम है गवर्नमेंट की
कि वो कहते हैं कि हम अपनी एक आपके हिसाब से आपकी फसल बर्बाद ना हो, आपकी मेहनत बर्बाद ना हो, तो हम एक अपनी तरफ से न्यूनतम समर्थन कीमत कर देंगे, सपोर्ट प्राइस कर देंगे कि हम अगर आपकी कोई फसल नहीं लेता है तो हम वो ले लेंगे गवर्नमेंट और हम उसको सेल कर देंगे या किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक तरीके से बहुत मिनिमम प्राइस उसका रखा जाता है अगर इनका किसानों का जो सामान है, जो फसल है, अगर बिकती नहीं है तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, संविधान संशोधन का संबंध किस अनुच्छेद से है। दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल ने पूछा जा चुका है ये। विच आर्टिकल इज द रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका तीसरा, आर्टिकल 368। देखिए अगर आप पॉलिटी करके जा रहे हैं, पॉलिटी में अगर मान के चलिए आपके एग्जाम में तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन तो आपके एटलीस्ट आर्टिकल्स से ही पूछे जाते हैं, तो आपको आर्टिकल्स जरूर याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ये कौन से संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से, जैसा मैंने आपको कई अपनी वीडियोस में बताया, अभी हाल ही मैंने आपको एक पॉलिटी की प्रोवाइड कराई थी, उसको देख लीजिएगा, वो आपको 6 आवर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या मैंने बहुत सारी वीडियोस दे रखी है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है एग्ज़ाम में। जो ये आर्टिकल होते हैं, जैसे हर जगह से हमने बड़े बड़े जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ली हैं, तो ये कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है या आपके USA से। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ज़रूर बताएगा। ये 368 जिसको बोलते हैं संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कौन सी कंट्री से लिया है ये, किस कंट्री के संविधान से लिया है या कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और एक और होता है USA से लिया है, हमने क्या लिया है आपका महाभियोग, जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट, ये किस पे लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर, अगर उनको जैसे सदन में या संसद में या मेंबर्स को ज़्यादातर एक मेजोरिटी में पसंद नहीं आता कि इनका एक कार्यकाल जो चल रहा है प्रेजिडेंट का, तो हटा सकते हैं एक प्रस्ताव ला के, उसी को महाभियोग कहा जाता है। क्लियर हो गया, तो ये किससे लिया गया, USA से। ये बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है कि ये आपके USA से लिया गया है, आर्टिकल 368 या कह सकते हैं संविधान संशोधन। हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इससे पहले जैसे आगे संविधान, तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, या हिंदी में पूछा जाएगा लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, जिसको कहेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये क्या था जल्दी से मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने आपको प्रोवाइड कराए रखा है अपनी कई वीडियोस में। देखिए ये क्या था, ये जो आपका संविधान संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। मैंने आपको बताया था इनके खिलाफ़ एक तरीके से धांधली का आरोप लग गया था, इन्होंने कहा गया था कि इन्होंने धांधली करी थी किसी चुनाव में जीतने के लिए, वो एक तरीके से विधानसभा के चुनाव थे, तो इन्हीं के खिलाफ़ एक तरीके से कोर्ट केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये उसमें हार गई थी और इनको एकदम क्लियर हो गया था कि इन्होंने धांधली कराई थी या इनकी पार्टी ने कराई थी, जिसके कारण इनको एक तरीके से 6 साल का बैन करने का एक तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। और इसी को रोकने के लिए और एक तरीके से जो हमारी न्यायपालिका है, जिसको कहा जा सकता है जुडिशियल पावर को कम करने के लिए, क्योंकि आज भी जानेंगे तो सुप्रीम पावर किसको कहा जाता है, जुडिशियल पावर को, सुप्रीम कोर्ट को, उसकी पावर को सीमित करने के लिए इन्होंने ये संविधान संशोधन लगाना शुरू करा। कैसे, इमरजेंसी लगा के। ठीक है, इमरजेंसी याद रखिएगा, इमरजेंसी का टाइम पीरियड आपको डेट के साथ पूछा जाता है 25 जून 1975, इन्हीं के द्वारा लगा था। वैसे अगर हम बात करें इमरजेंसी हमारे यहाँ 3 बार लगी है मात्र, कौन कौन सी लगी, एक तो लगी थी 1962 के वॉर में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था हमारा, इसके बाद हुआ था 1971 जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, और तीसरा इनके द्वारा लगा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इन्होंने इतने संशोधन करे, इतने अमेंडमेंट करे कि उसी को, इसलिए बहुत सारे मैंने आपको क्लॉजेज में बताया क्या क्या इन्होंने नई नई चीज़ें ऐड करी थी, इसलिए उसको 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतने संशोधन कर दिए थे जो एक बहुत छोटे टाइम में, और आप बोलेंगे कितने टाइम का था, 21 महीने का था ये। ठीक है, 21 महीने के बीच में इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और इसी में इतने इन्होंने अमेंडमेंट करे कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा कि एक तरीके से अलग से संविधान ये बना देंगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएगा कि ये जो इन्होंने एक तरीके से संशोधन करे थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या प्रस्तावना में रखे थे वो कौन से थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल में किसका मेंशन किया गया है, UPSC, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1926 में, ज़रूर याद रखना है। और जैसे अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका भी पता होना चाहिए, बट आज तक पूछा नहीं गया, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। जैसे आपको सन आते हैं, मैंने आपको बताया था मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक कर लीजिए तुरंत। 1976 से पहले आपको कुछ याद आ रहा हो तो 1973 भी आ रहा है, ठीक है। 1973 में क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, इसको भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आ गया तो 1992 का टाइम पीरियड था, 1992 में क्या आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, इसको भी याद रखना है, NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 1995 में क्या हुआ था, बॉम्बे जो था
उसको मुंबई बना दिया गया था, ठीक है। मुंबई, मुंबई पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो सालसेट द्वीप में, सालसेट द्वीप में। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा आइलैंड में पड़ता है ये मुंबई, तो याद रखना आपको, चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको आइलैंड बताया। अगर नदी पूछी जाएगी तो उल्हास बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो सुपर इंपॉर्टेंट आपको मार्क करने। हम कहाँ पर गए थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हाँ, हमने बोला यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में। देखिए एक पॉइंट से मैंने कितने जोड़े, यही आपको करना है, तभी आपकी अच्छी इंप्रूव होगी जीके। ये जीके आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एसएससी हो या रेलवे से हो, कहीं भी हो, ये बहुत ज़रूरी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। ये 370 था, इसको अब एक तरीके से अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि एक तरीके से जम्मू कश्मीर को अलग तरीके से, ये अलग एक संविधान बना दिया गया था इसका, ये कह सकते हैं आप, और इसको अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन माना जाता है आज तक, ठीक है। ये हो गया 370 जो हमने क्लियर इसको पढ़ लिया था। एक और याद रखिएगा, देखिए कश्मीर आ जाता है, मैंने आपको बताया था कश्मीर के बारे में पूरा एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था कि इनका अलग झंडा होगा वगैरह वगैरह, जो आप सभी जानते होंगे। बट कश्मीर पूछा जाएगा कि इसका वर्णन कौन सी बुक में है, राज तरंगणी, ठीक है, राज तरंगणी इस बुक में इसका मेंशन किया गया था, इसका इतिहास जो बहुत पुराना था कश्मीर का। और कश्मीर से ही आपसे पूछा जाएगा तो एक और इंक्लूड कर लीजिएगा, इनके राइटर कौन थे जो राज तरंगणी के थे, ये बहुत बार पूछे गए, कलहड़ थे। और कश्मीर, कश्मीर कहाँ पड़ता है, करगिल, करगिल के पास आप जानते हैं वॉर हुआ था हमारा, और इसी के पास आप कहते हैं POK है, जिसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। पहले हम इसको बात कर लेते हैं, यहाँ पर पड़ता है LOC, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी कारण हमारा वॉर हुआ था। और ये 1972 में आप जानते हैं एक एग्रीमेंट बना था, शिमला समझौता, उसके तहत ये किया गया था कि आप LOC को क्रॉस नहीं करेंगे। तो आपसे डायरेक्टली याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना आपको 26 जुलाई को, क्योंकि इस दिन हमारा ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय हमारा क्लियर हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन विजय, हमने एक ऑपरेशन बनाया था कि ऑपरेशन विजय के तहत हमको ये मिशन कंप्लीट करना है, तो ये उस दिन लागू हो गया था, मतलब क्लियर हो गया था। इस ऑपरेशन विजय की तरह हमारी विजय हो गई थी पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। और यहीं पर याद रखिएगा, सबसे ठंडा इलाका माना जाता है भारत का द्रास, यहीं पड़ता है जो लद्दाख और करगिल के बॉर्डर में, और सबसे अगर वर्स्ट में बोलेंगे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर पड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड में पूछा जाएगा सबसे ठंडा इलाका कौन सा है, तो उसको याद रखना साइबेरिया। कहाँ पड़ता है ये, साइबेरिया पड़ता है आपके रशिया के पास, बहुत ठंडा इलाका है पूरे वर्ल्ड में। सबसे गर्म पूछा जाएगा भारत में कौन सा है, तो चुरू, जो आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। सारे फैक्ट ऐसे लिंक करके याद रखेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आर्टिकल में पढ़ रहे थे, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, और ये पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो जितने मैं आपको बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते रहिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने कर लिया है 370 तक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 360, ये क्या है आपका, ये इमरजेंसी मैंने आपको बताई थी, इमरजेंसी के कौन कौन से आर्टिकल बताए थे, तीन आर्टिकल्स होते हैं आपके, 352 होता है, क्लियर हो गया, 356 होता है आपका, फिर होता है आपका 360, ठीक है। ये तीनों के बारे में देखिए, ये होता है आपका जो फाइनेंस रूप में, अगर आपके यहाँ पे कोई वित्तीय तरीके से कोई इमरजेंसी लगानी है तो ये इस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ये आज तक एक बार भी यूज़ नहीं किया गया, याद रखिएगा, SSC में पूछा जा चुका है। 356 इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ये तो आप सभी जानते होंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि 352, यही मैंने आपको बताया था नेशनल इमरजेंसी, ये इमरजेंसी उस कंडीशन में लगाई जाती है कि अगर बाहर का कोई भी देश आप पर आक्रमण करता है या किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है तो उस समय हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे 1962 में जब चाइना ने हम पे अटैक कर दिया था, फिर 1971 जब पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ था, और फिर उसके बाद जो हमारा 1975 में ये पर्सनल यूज़ के लिए इंदिरा गांधी ने एक तरीके से इम्पोज कर दिया था, क्लियर हो गया। और अगर पूछा जाएगा कौन इसमें आर्टिकल जो है ये आपका, इसको इमरजेंसी को लागू कौन करता है, वो करता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, किनके कहने पे, प्रधानमंत्री के, क्योंकि सारे काम प्रधानमंत्री की सलाह पे ही होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए जो आपको याद रखने। हम कहाँ तक देख रहे थे, ये 360 मैंने आर्टिकल बता दिया, ठीक है, बाकी सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो गए जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए। कुछ और मैं ऐड कर देता हूँ जो आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, जैसे आर्टिकल 52, ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति जी का नाम आया तो उनका नाम याद रखिएगा, इसमें प्रेसिडेंट के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये है आर्टिकल 54। ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, ये ना पूछा जाए बट ये आपका ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि सभी एग्जामिनर जानता है कि बच्चे ज़्यादा इजी चीज़ों पे जाते हैं ना कि अंदर जाते हैं कितना एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैंने आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड बता रखे कई बार, ये पूरी तरीके से सदन जो होते हैं हमारे राज्यसभा लोकसभा, उसके एक तरीके से बात करें उसके साथ मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, याद रखना एक चीज़ तो पहले। और ये टोटल मनोनीत या नॉमिनेट करते हैं 14 सदस्यों को, 14 सदस्य याद रखने हैं आपको ये भी,
कहाँ पर? देखिए याद रखना है, दो तो होते हैं आपके लोकसभा के और 14-12 होते हैं आपके राज्यसभा के। ये कहाँ पर एक तरीके से मनोनीत किए जाते हैं इनके द्वारा, जो अपने अपने कल्चर में, जैसे आपके कला के क्षेत्र में किसी ने अच्छे अच्छे काम करे हैं, उन सभी को यहाँ पर मनोनीत करके राज्यसभा की सीटें जीती जाती है। जैसा आपने सुना भी होगा, रेखा जैसे थी जो फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, विवाद रहा था कि ये अपनी अपसेंट ज़्यादा लगाते थे, नहीं पहुँचते थे वहाँ पर सदन में, तो इसको कहा जाएगा। अच्छा, ये पूछा जाता है कि जैसे कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो उसका नाम याद रखना है अभिनेत्री का, नरगिस दत्त। ये पूछा जा चुका है एसएससी के एग्ज़ाम में, नरगिस दत्त, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री भी यही थी, और इनका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको पता है सुनील दत्त की वाइफ थी, संजय दत्त की माँ थी ये। इनके दो फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि मदर इंडिया जो मूवी थी उसमें मदर इंडिया का रोल करने वाली कौन थी महिला, यही थी, ठीक है, मदर इंडिया। इसके डायरेक्टर पूछा जाएगा महबूब खान थे, महबूब खान, 1957 में आई थी मूवी, और 1957 से आपको याद रखना है। और याद रखिएगा मदर इंडिया पहली मूवी है जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। सलाम बॉम्बे, मदर इंडिया और एक और मैं आपको लगान, हाँ तीन मूवी याद रखने जो आज तक ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, बट एक बार भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। क्लियर हो गई जो चीज़ मैंने आपको बताया 1957 से। एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, इसी समय रैमन मैक्सेसे अवार्ड की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। क्लियर हो गए जो सारे फैक्ट मैंने बताने थे आपको। कहाँ तक चल रहे थे हम? हमने आर्टिकल की बात कर रहे थे। देखिए यही तरीका है पढ़ने का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही करिएगा। हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 61 भी याद रख लीजिएगा, इसमें ही महाभियोग के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति की, कैसे उन पर इम्पीचमेंट लागू किया जाएगा। ये क्लियर हो गया आर्टिकल 61। फिर आर्टिकल 63 पे भी चल जाते हैं। इस समय किसका, इनमें किसका वर्णन किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जिनको कहा जाता है उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको जैसे भी कहा जा सकता है कि भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अलग बात है कि इनके साथ दो और थे, जो सी वी रमन भी थे इनके साथ और सी राजगोपालाचारी भी थे। तो ये याद रखिएगा, इनके साथ जो थे इनको भी मिला था क्या, अवार्ड मिला था, ठीक है, भारत रत्न। क्लियर हो गया। हम बात कर रहे थे आर्टिकल कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, 63। एक और याद रखिएगा आर्टिकल 80 आपसे पूछा जाता है, इसमें किसका वर्णन है? राज्यसभा का। अगर 81 पूछा जाएगा तो इसमें लोकसभा का। ये सारे पूछे जा चुके हैं। अच्छा 76 तो मैंने बताया नहीं, इसमें है आपके अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में इसमें मेंशन किया गया है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 124 सुपर इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है हमारे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, 124 अगर आपसे पूछा जाएगा, आर्टिकल 214, देखिए दोनों के नंबर एक जैसे दिख रहे हैं, अपोजिट कर लीजिए कौन से, इसमें हाई कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, अब दोनों पूछे जा चुके हैं। अगर 24 है, इसको मैं थोड़ा दुगना कर दूँ, 148 कर दूँ, तो इसमें किसका है? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, इनका बारे में मेंशन किया गया हमारे जो देश के हैं, 148 आर्टिकल के अंदर इनको मेंशन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा गवर्नर को कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, तो 153। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए कि चीफ मिनिस्टर को कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, कौन से आर्टिकल में उनके बारे में वर्णन किया गया है, ये आर्टिकल आपको बताना है। मैंने बाकी आपको राज्यपाल के बारे में बता दिया, गवर्नर का 153 आर्टिकल में मेंशन किया गया है इनको, ठीक है। अच्छा देखिए 280 है, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल के अंदर। अगर आपसे पूछा था आर्टिकल 300A, इसमें कौन सा मेंशन किया गया है, तो याद रखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A, सुपर इम्पॉर्टेंट, कई बार ये पूछा भी जा चुका है, तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे लिंक करके याद रखिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम में। देखिए जैसे मैं आपको लिंक करके प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऐसे ही मैंने ई बुक प्रोवाइड करा रखी है, बहुत लोगों ने ले ली है जो मेरे एग्ज़ाम की एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर SSC की, क्योंकि देखिए मैंने खुद जैसे प्रिपरेशन करी थी वैसे मैं कंटेंट आपको देता हूँ, और इससे बहुत लोगों को इम्प्रूवमेंट मिला है। जैसे MTS के एग्ज़ाम में कई लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं, CGL के एग्ज़ाम में बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेन करें, CHSL में अच्छे मार्क्स गेन करें। इसका मेन रीज़न ये है कि आपको जैसे तरीके से आप पढ़ेंगे वैसे आपके मार्क्स आएंगे। हमारा मेन रीज़न, हम GK को कम पढ़ते हैं इसलिए हमको दिक्कत होती है, तो ई बुक मैंने प्रोवाइड करा रखी है आपकी स्टैटिक GK की। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो इन तीनों सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, स्टैटिक GK और हिस्ट्री, ठीक है, इसके ऊपर आपको ई बुक मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर से भी ले सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। और नहीं तो देखिए वकीब आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो वकीब भी आप ले सकते हैं, इसमें ऑनली अभी मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम ही इंक्लूड करें। अभी आने वाले टाइम में मैं जल्दी आपके एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेज इंक्लूड कर दूँगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या, अपडेट मैं आपको कंटेंट उसका दे देता हूँ, और अपडेट आपको फ्री मिलेगा अगर आपने परचेज ऑलरेडी कर लिया है, राइट।
अपडेट जब भी आप होगा तो आपको फ्री में प्रोवाइड करा देता हूँ इन्फॉर्म करके अपने चैनल में। अभी हाल ही में अपडेट करे थे तो इसलिए अभी ज़रूरत नहीं है, मैं 1-2 महीने में आपको अपडेट करके प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए मेन रीज़न क्या है, इसके अंदर आपको डिटेल में मैंने आपको प्रोवाइड दे रखा कंटेंट, MCQs फॉर्म में नहीं मिलेगा क्योंकि कई लोग डाउट करते हैं, इसलिए मैं आपको यहीं क्लियर कर रहा हूँ कि आपको MCQs फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, डिटेल में है। प्लस में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसी डिटेल के अंदर मेंशन कर रखे हैं, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं सब्जेक्ट को होती है। मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ता था मेरे को पहले एक बुक पढ़नी पड़ती थी, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने पड़ते थे, जिससे प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए एक ही मैंने बुक बना के नोट्स बनाता था, उसमें प्रीवियस ईयर कंपाइल करके दे देता था, जिससे बर्डन 2 बुक का 1 में बढ़ जाता था, ठीक है। इसलिए आपको अगर लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा, स्टैटिक जीके हिस्ट्री एंड वोकैब, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नगर पालिका का संबंध संविधान के किस भाग से है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Article 9A। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ भी 9A हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 4 हो जाएगा, आर्टिकल कह रहा हूँ मैं आपको, पार्ट 9A में इसको मेंशन किया गया है। अब देखिए पार्ट बहुत सारे होते हैं, वो तो आप सभी जानते होंगे, इसको एक पार्ट में अलग अलग, जैसे जो हमारे पार्ट है उनको एक आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, कुछ आर्टिकल्स वहाँ पर कुछ पार्ट्स में अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, तो आपको 9A याद रखना है। बट सबसे कन्फ्यूजिंग क्या होती है, आपको 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जिसको कहते हैं 73rd अमेंडमेंट जो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस से रिलेटेड है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना आपको पंचायती राज से है। क्यों कन्फ्यूज़न है मैं आपको पहले क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए ये है आपका, और ये जो आपका आ जाता है जो म्यूनसिपैलिटी जिसको आप बात कर रहे हैं, आपका नगर पालिका, ये आपका है 74वां संविधान संशोधन, बिल्कुल एकदम पास पास में। तो इसको आपको बहुत 100% करके याद रखना है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी याद करने में। और ये भी भाग कौन से में, जो आपका पंचायती राज है, ये भाग है आपका जो पार्ट गिना जाता है, ये पार्ट 9 में इसको मेंशन किया गया, ये आपका है पार्ट 9A में, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। और मैंने जो बताया आपको 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था नगर पालिका को, क्लियर। अच्छा कौन सी अनुसूची के अंदर इसको मेंशन किया गया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब देखिए पंचायती राज आ गया, तो मैं कुछ मेन फैक्ट बता दूं, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं आपसे, पूछा जाएगा कि हमारे पूरी अगर हमारी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का बेसिक हमारा डेमोक्रेसी हम किसको कहेंगे, वहाँ पर ऑप्शन में कई जगह निर्वाचन आयोग लिखा होता है, बहुत चीज़ें। तो जैसे मैं आपको बताऊं तो याद रखना आपको पंचायती राज को ही कहा जाएगा, पंचायती राज बेसिक डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं, देखिए पूरी तरीके से डेमोक्रेसी मतलब होता है कि आप पूरी जो देश की हमारी जनता है कैसे उसमें भागीदारी हो रही है, पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है उनका चुनाव में। अब बेसिक देखा जाएगा तो सबसे निचला स्तर हमारा कौन सा था, गाँव का ही तो होता है, तो इसलिए कई लोग आप तरीके से अगर हम देखें तो नगर पालिका इसका राइट आंसर लगा देते हैं, तो गलत है। आपको याद रखना पड़ेगा पंचायती राज को ही कहा जाता है, क्लियर हो गया। ये जो आपको बहुत बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, बेसिक डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहीं से, क्योंकि गांव के लोग ही बहुत बेसिक होते हैं और यहीं से अगर एक तरीके से उनको भागीदारी का मौका मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए इसको कहा जाएगा, क्लियर। देखिए पंचायती राज से मैं कुछ और चीज़ें आपको इंक्लूड कर दूँ, जैसे ये कब पहली बार इसको लागू किया गया था, देखिए याद रखिएगा पंचायती राज जो व्यवस्था थी आपकी 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इनॉग्रेट करा था, कब था, सन 1959, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। कौन से जिले में करा था, नागौर, और ये नागौर पड़ता कहाँ है आपके राजस्थान में, आपसे सन पूछा जाएगा कब हुआ था, 1959, जगह पूछी जाएगी, जिला पूछा जाएगा, सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए एक बार SSC ने कन्फ्यूज़ करने के लिए बोल दिया गया उनके द्वारा कि कौन सा ऐसा सेकंड जिला था जिसको, जहां पर इसको शुरू किया गया था, तो याद रखना आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहला आपका कौन सा हो जाता है, राजस्थान, सेकंड हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। और ये कौन सी स्तरीय थी, कौन से स्तर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 स्टेजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था को। कौन कौन से, चलिए ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अरेंज करने के लिए बोला जाता है। पहला हो जाता है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा बात करेंगे तो दूसरा हो जाता है ब्लॉक, ठीक है, और तीसरा हो जाता है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जिला परिषद। और जिला परिषद को आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये सारे पूछे जाते हैं कि इनके कौन से पार्ट होते हैं जिनको त्रिस्तरीय कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को जो त्रिस्तरीय थी, इसको कौन सी समिति की सिफारिश में लाया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, ये भी मैंने आपको बता दिया, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा। एक और थी अशोक मेहता समिति, बट उसका काम था कि आप कैसे काम चल रहा है इसमें, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में आपको जांच करनी है, तो वो थी अशोक मेहता समिति, बट वो एक तरीके से सफल नहीं हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी कोई भी जो समिति की सिफारिश थी उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में
है या किस देश से इसका संबंध है। हम्बन टोटा पोर्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, श्रीलंका। जैसे मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया, बहुत बार रिपीट होता है, क्यों? क्योंकि देखिए, चाइना ने इस पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था, 70% भाग को इन्होंने एक तरीके से खरीद ही लिया था, अगर आप बात करेंगे तो चाइना ने, तो इसलिए हमारा याद हो जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है, तो इसलिए हमारे को याद रखना है। श्रीलंका से दो तीन फैक्ट याद रखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाल्क स्ट्रेट कहाँ पड़ता है, ये पाल्क स्ट्रेट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पाल्क स्ट्रेट अगर हिंदी में बोलेंगे तो पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, अगर आपसे पूछा जाता है ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे जो भारत का मैप है उसके नीचे श्रीलंका पड़ता है, एक बहुत हल्की सी, अगर आप मैप में देखेंगे पतली सी लाइन है, उसी को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। हम एक वॉर एक्सरसाइज करते हैं इनके साथ, स्लाई नेक्स, ये भी आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सीजल के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में, तो याद रखना है हमको सीलोन कहा जाता था इसको, ठीक है, सीलोन, ये ओ है, सीलोन कहा जाता था इसको पहले, फिर इसका नाम बदला गया। यहाँ पर ज़्यादातर भाषा कौन सी बोली जाती है मेजोरिटी में, तो आप बोलेंगे सिहिली लैंग्वेज, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर तमिल भी बोली जाती है जैसे हमारे तमिलनाडु में, बट ज़्यादातर मेजोरिटी बात करेंगे तो सिहिली लैंग्वेज ही बोली जाती है। याद रखना यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बात करेंगे तो एस भंडार नायके नाम था उनका, ठीक है, एस भंडार नायके इनका नाम था। बट देखिए, ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं थी, पूरे विश्व में अगर हम बात करेंगे तो पहली यही थी, और अगर भारत की बात करेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। क्लियर हो गए सारे फैक्ट, श्रीलंका से रिलेटेड याद रखिएगा, क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, और वेयर इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो सिंपल सा है, राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, देखिए मैं आपको बता दूँ ज़रूरी क्या है आपको, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाएगा इसका नाम क्या है, तो याद रखना है बैरन, और बैरन ही आपको याद रखना है, बैरन आइलैंड में पड़ता है बेसिकली अगर हम बात करें, बट आपसे पूछा जाएगा वॉल्केनो का नाम क्या है, तो बैरन वॉल्केनो आप बोल सकते हैं, और एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। वैसे आप जानते हैं तीन कैटेगरी होती है वॉल्केनोज की, तो एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में बस एकमात्र सक्रिय जो है यही है, और ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार आ जाता है तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है या अरब सागर में पड़ता है, तो याद रखना है बंगाल की खाड़ी में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट हम कई बार इतना ध्यान देते नहीं, तो आपको याद रखना पड़ेगा बंगाल की खाड़ी में, मैप से भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1956 में एक तरीके से राज्य बन गया था ये हमारा अंडमान निकोबार, क्लियर हो गया, सॉरी यूटी। इसके बाद अगर हम बात करें, ये एक और याद रखिएगा, इसकी कैपिटल तो याद रखेंगे पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है इसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है, तो देखिए ये जो आपका पड़ता है अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है आपको दिख ही रहा होगा, तो याद रखना ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल के पास पड़ता है, तो इसको याद रखना है, इसकी सारी जो भी सुनवाई होती है कलकत्ता हाई कोर्ट में ही होती है, ये ज़रूर याद रखिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है, क्लियर हो गया। और अगर हम इसके अलावा देखें, जैसे आपसे पूछा जाएगा लक्षद्वीप के हाई कोर्ट की जो कार्रवाई होती है जो वो कहाँ पर होती है, तो आपके याद रखना है केरल हाई कोर्ट में होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखने दोनों फैक्ट, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, हम सोचते हैं कि हाई कोर्ट वहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ की जो भी सुनवाई होगी सारी कलकत्ता हाई कोर्ट में आ जाएगी, ठीक है। अगर से पूछा जाएगा अंडमान निकोबार से पूछा जाएगा कि अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, इसकी सबसे ऊँची चोटी बोलेंगे तो सैडल पीक है अंडमान निकोबार की, ठीक है, और ये है कहाँ पर, चलिए ये आप बताएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सैडल पीक है कहाँ पर, ये अंडमान में है या निकोबार में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसके अलावा हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, तो यही रखना है आपको, अंडमान निकोबार में पड़ता है आपका, यहीं पर पूरे विश्व का, सॉरी विश्व नहीं, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क बोलेंगे तो उसका नाम क्या है, थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, वो नॉर्थ से लिख दिया मैंने आपको, साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो पूरे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है यहीं पड़ता है, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा था नॉर्थ, ये भी है एक नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, ये भी आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, बटन जुड़ जाए तो ज़्यादातर आप सोचिए अंडमान निकोबार में ही पड़ता है, ठीक है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा भारत का कौन सा, हैमिस नेशनल पार्क है, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे छोटा ज़िला आसपास में ही पड़ता है कौन सा है, माहे ज़िला, ये अंडमान निकोबार में नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि छोटे बड़े से रिलेटेड हो गया, सबसे छोटा ज़िला है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बात करेंगे तो कच्छ हो जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर हो गए।
देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन पूछा गया था अभी मुझे रिसेंटली याद आ गया तो मैं आपको बता दूं। जैसा आपका पूछा गया था एलपीजी में या आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के 2017 में जो कांस्टेबल था या हेड कांस्टेबल था उसमें पूछा गया था ये एलपीजी में कौन सी चीज़ें पाई जाती, तो याद रखना है आपको प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, ये कई बार पूछा गया था रेलवेज में भी और इसमें भी पूछा गया था। आपको दिख रहा होगा एक ही टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी रिपीट होते हैं, तो ये नहीं है कि ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है तो इसके अलग जीके पूछे जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो एसएससी में आ रही है वैसे ही सेम आपको करनी है तैयार। अगर आपसे पूछा जाता है एलपीजी से रिलेटेड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया बायोगैस, ठीक है, बायोगैस आप जानते हैं बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, आज के टाइम पे थोड़ा कम हो गया है, बट इसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाती है, कौन सी गैस पाई जाएगी, तो मीथेन। ये आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, मीथेन को कहते हैं CH4। ये भी पूछा गया था NTPC के एग्ज़ाम में जो अभी हाल ही में प्री का एग्ज़ाम हुआ था। ओजोन पूछा जाएगा तो ओजोन के लिए O3 हो जाएगा, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। अभी पूछा गया था ये दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कि पालक में एक तरीके से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखना ऑक्सलेट। ऑक्सलेट जैसा आपको ऑक्सलेट पूछा जाएगा तो याद रखना कैल्शियम ऑक्सलेट। पूछा जाएगा पथरी किस चीज़ की बनी होती है, जैसे हमारी किडनी वगैरह में पाई जाती है पथरी, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की ही बनी होती है। तो इसलिए कई बार आपने सुना होगा जिनको पथरी होती है उनको कहते हैं कि आप पालक ना खाएं, टमाटर ना खाएं, क्योंकि इन पर ऑक्सलेट पाया जाता है एक तत्व, जिससे पथरी वाले को और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी को पूछा जाएगा, अगर पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। अगर आपसे पूछा था जो हमारे मनुष्य के नाखून होते हैं उसमें क्या होता है, तो याद रखिए किसके बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, केराटिन नहीं केरेटिन। अगर आपसे पूछा जाएगा दांत किसके बने होते हैं, तो वो याद रखना है कैल्शियम फास्फेट के। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट के। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, ये दो तीन हमारे एग्जाम में इस बार पूछे गए थे जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था रिसेंटली मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया। देखिए ये वीडियो मैंने इतना ही प्रोवाइड कराया, ये पार्ट फर्स्ट समझ लीजिए। अगर इस वीडियो में अगर मेरे को लगता है कि लोगों ने ज़्यादा अच्छा व्यूज़ दिए हैं या लोगों ने ज़्यादा इसमें रिएक्शन दिए हैं तो ही मैं इस पर काम करूँगा, सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, नहीं तो मैं लेकर नहीं आऊँगा। क्योंकि अभी मैं इस चैनल पे मैंने आपको दिल्ली पुलिस इस साल की कोई मैंने आपको वीडियोस नहीं दी है, तो ये मैं आपको एक तरीके से अगर आपको पसंद आए तो यही आप पे डिपेंड करता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर इसकी रीच बढ़ती है तभी मैं एक तरीके से कंटेंट दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं एक कंटेंट को बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, जिसके कारण आपको कंटेंट अगर व्यूज़ कम रहते हैं तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको समझना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको सेकंड पार्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास लगभग मैं पूरे प्रीवियस के क्वेश्चन आपको इसको इंक्लूड कर दूंगा जो आपके लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम का सेप्टेम्बर है, उसमें आपको जीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस बार के MTS हो गए, CHSL हो गए, कई बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेन करें, वो सारा क्रेडिट मेरे पे तो नहीं बट हाँ काफ़ी हद तक मैंने भी उनकी हेल्प कराई थी। इसी से आपको इस तरीके से पढ़ना है तभी आपको हेल्पफुल ये रहेगा कंटेंट। ठीक है, और आपको ई बुक लेनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सअप नंबर से ले लीजिएगा। अगर व्हाट्सअप में आपको नहीं मिलता, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर मैं संभालता नहीं हूँ, अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता, वैसे बेसिकली बात करें तो 99% आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप फिर लिंक से भी ले सकते हैं, बट वहाँ पर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, और बाकी आपको कुछ भी रिलेटेड डाउट है तो 6 आवर्स की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, मैंने आपको कंटेंट आपको दे रखा अपने चैनल पे, वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा, चाहे स्टैटिक जीके हो वकैब हो, आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप, और अगर आपको अच्छा लगता है तो बोल सकते हैं, मैं अगला पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।